कभी आपका दांत दुखा है, दांत खिंचाए हो? अगर आप नहीं खिंचाए हो तो आपके किसी फ्रेंड ने जरूर खिंचाए होंगे। पूछना उनसे, बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है? और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो सॉरी फॉर, मैंने आपको याद दिलाया, लेकिन बहुत दर्द होता है। देखिए, जब कभी भी हमें कहीं पर भी चोट लगती है, हमें वो दर्द होती है, और वो दर्द फिर बाद में कुछ टाइम बाद वो रिकवर भी हो जाता है, हम उसे भूल भी जाते हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारे मन में चोट लगती है, हम उसको रिकवर नहीं करते, हम उस पर दवा नहीं लगाते हैं, वो चोट वैसे ही रहती है हमारे सबकॉन्शियस में, और बात बात पर हम उसको याद भी करते हैं, उस जख्म पर खुद ही नमक छिड़कते हैं, उसको याद करते हैं, उसको फोकस करते हैं। देखिए, नमक छिड़कने का मतलब है उसी को फोकस करना, एनर्जी देना, उसी दर्द को फोकस करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो फिर से हमें दर्द देती है। फिजिकल लेवल पर जो भी चोट पहुँचती है वो रिकवर हो जाती है, लेकिन मन में जो चोट पहुँचती है वो रिकवर नहीं होती। लेकिन आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके मन की चोट को कम्प्लीटली रिकवर कर सकता है। वो टेक्निक क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे अप्लाई किया जाए अपनी जिंदगी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उस चीज को अप्लाई करने के बाद, सीख जाने के बाद, आप खुद का कैसे टेस्ट लेंगे कि नहीं, मैंने जो सीखा है वो सही में काम कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हम बात कर रहे हैं ना, ये एक बेहतरीन टेक्निक है, वो है क्षमा करना, और अगर हम आम भाषा में बोले तो जाने देना, ठीक है? लेकिन हमारा जो नेचर है, हम क्या करते हैं, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़े रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमने बोला, एक बार आपको चोट लग गई, दर्द हो गया, उसके बाद आपने उस पर मरहम पट्टी लगाया, वो खत्म। लेकिन जब हमें कोई और इंसल्ट करता है, हर्ट करता है, या फिर हम अपने खुद के किसी गलती की वजह से अपनी जिंदगी में कहीं पर डिग्रो कर जाते हैं, या फिर हमें कोई सजा मिलती है जो कि जिसमें हमारे खुद की गलती होती है या फिर किसी और की गलती होती है, ये दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, उस गलती को, उस चीज को पकड़ के रखते हैं, उसको हम जाने ही नहीं देते। इसीलिए बार बार देखिए, जब हमने एक गलती की, ठीक है, -1 मान लीजिए, हमारा गलती का पॉइंट था -1, अगले बार हमने क्या किया, उस -1 को फिर से फोकस किया, फिर से हमने सोचा इसी की वजह से ये हो रहा है, मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, उस पर्सन की वजह से ये हो रहा है, मेरे अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ रही है, हो सकता है वो किसी और के लिए हो या फिर खुद के लिए हो, तो वो जो -1 है वो नेगेटिविटी बढ़ के कितना होगा, -2, -3, -4, ऐसे होते 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 आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जैसे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है, आपको फिर से वैसे ही नेगेटिव सिचुएशन आते हैं, आप और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, फिर से जैसे और ज्यादा आपकी नेगेटिविटी -5 हो गई, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो कि -5 का होगा, यानी कि कुछ और वर्स थिंग आपके साथ हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। और पता है इस साइकिल को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक सिंपल सा चीज अपना कर, वो है क्षमा करने की टेक्निक, और आम भाषा में जाने देने की टेक्निक। जाने दीजिए, अगर आपने कुछ गलती किया है, उस गलती की सजा आप भुगत रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती होना एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप को समझाइए, अपने आप को संभालिए, और उस गलती को वहीं पर स्टॉप कीजिए, ठीक है? ये एहसास को वहीं पर स्टॉप कीजिए, जब तक आप इस फीलिंग्स को फोकस करते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे, वो बढ़ता जाएगा, सिचुएशन और वर्स होती जाएगी। और यही चीज अगर किसी और पर्सन के साथ है,
अगर किसी और की वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो आप उसको भी क्षमा कर दे, जाने दे, उसके लिए भी यही सोचे कि गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए, चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती किसी और की हो, उस टाइम पर वो गलती हो चुकी है, लेकिन उसकी सजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि देखिए, गलती होना ना होना इसमें हो सकता है, आपकी दोस्त हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी सजा अभी भी भुगत रहे हैं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। क्यों? क्योंकि आप उस गलती को जाने नहीं दे रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे हैं। इसको जाने दें, उसको क्षमा करें। कैसे क्षमा करें? इजी सा टेक्निक है, आराम से बैठ जाएं। ये टेक्निक आप खुद के लिए भी अपना सकते हैं, किसी और के कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए भी अपना सकते हैं। किसी भी चीज आपको हर्ट किया है, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसको आप अपने सामने में लाइए, आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए और अपने आप को बोलिए कि मैं इस सिचुएशन को जाने देती हूँ, मैं इस पर्सन को कम्प्लीटली अपनी जिंदगी से जाने देती हूँ, उसको मुक्त करती हूँ, वो स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं उसको क्षमा करती हूँ। इस एफर्मेशन को आप दिन में 2-3 बार दोहराइए, 8-10 दिन दोहराइए, काम खत्म, चीजें खत्म, सिंपल है ना। इतनी सी चीजें करके ना आप चीजों को जाने दे सकते हैं, और जब आप चीजों को जाने देंगे तभी आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अभी बात ये है कि आपने ये प्रैक्टिस किया तो टेस्ट कैसे करें, है ना। जैसे सोने का टेस्ट किया जाता है, हर चीज का टेस्ट होता है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छी पढ़ाई किए हैं या नहीं उसका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है, वैसे ही आप खुद को एग्जाम करें। ये एग्जाम आप कैसे करेंगे? जैसे ही उस पर्सन के बारे में कोई अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगे या फिर उस पर्सन का जिक्र होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही है। दुर्भावना आ रही है, रिवेंज वाली फीलिंग्स आ रही है, या फिर ऐसे लग रहा है कि चलो यार भगवान उसको भी अच्छे से रखे, मुझे भी अच्छे से रखे, एक न्यूट्रल फीलिंग्स आ रही है। अगर न्यूट्रल फीलिंग्स आ रही है तो आप अपने टेक्निक को अच्छे से कर रहे हैं, आपकी जो प्रोसेस है वो सही है, आप सही से रिलैक्स हो रहे हैं, सही से एफर्मेशन कर रहे हैं और ये एफर्मेशन काम दे रहा है, आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर जब आप उस सिचुएशन या फिर वो पर्सन के बारे में सोचते हैं या फिर वो कभी आपके सामने आ जाता है, उसका जिक्र कहीं पर हो जाता है, तो अगर आप हर्ट फील करते हैं, एरोगेंट फील कर रहे हैं, रिवेंज वाली फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक उसको क्षमा नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप क्षमा नहीं कर पाए हैं तो सिंपल सी बात है, उस टेक्निक को आप दोहराते जाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों, पर्सन को जाने दीजिए नहीं बोला जा रहा है, सिचुएशन को जाने दीजिए नहीं बोला जा रहा है, चीजों को इग्नोर मत कीजिए, हर चीज को, हर एक नेगेटिविटी को जो कि आपके अंदर है, हर एक नेगेटिव फीलिंग्स को आप फेस कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको फेस कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। इग्नोर करने से चीजें चली नहीं जाती है, वो और बड़ा होके आपके अंदर आती है। सप्रेस मत कीजिए, उस फीलिंग्स को फील कीजिए और अपने आप को समझाइए, अपने आप को फेस कीजिए। ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन आप उसको कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय।